अब दावत दे चुके हैं, वो दावत मेजबान आप है, पूछिए मेजबान से। लेकिन वो शादी को गए दूसरे, लेकिन ये दावत उन्होंने ली नहीं, दूसरे शादी को गए भागवत करा बीजेपी, लेकिन ये दावत ली नहीं उन्होंने, शादी के लिए जाने को वक्त था राजा। अच्छा अच्छा है भाई, अच्छा नहीं आए तो अच्छा। तेज गेंदबाज आपको इम्तियाज ऐसा है ना, वो आप ही की बरादरी से आए तो उनको गुगली डालना अच्छा आता। सर ने पिछले महीने में एक प्रपोजल दिया था महाविकास आघाड़ी सरकार को कि उन्हें महाविकास आघाड़ी सरकार में ज्वाइन किया जाए, उस 3 पहिया गाड़ी को एक 4 पहिया एमआई का लगाया जाए। उन्होंने बोल दिए, उधर से क्या हुआ फिर आपको लेकर के शरद पवार को मिलने जाने वाले थे, आपको साथ मिले करिए, सर शरद पवार को मिलने को जाने वाले थे, मिलने को गए नहीं, उसके क्या बोले, वो हमारे नाम से नफरत करते हुए हमारा नाम सुन के लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उम्र एक्सपोज तो हो गया ना, आप असेंबली चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हर सभा में महाराष्ट्र के मुसलमानों जाके बोलते थे कि ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा शिवसेना को रोकना है, और जितना चुनाव हुआ आप शिवसेना से शादी कर लिए, और मुसलमान क्या करना है, हमारा मुसलमान को धोखा दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों को आपने धोखा दिया ना, आपने कहा कि भाजपा शिवसेना को वोट मत दो और ओवैसी को वोट मत दो, पर आप जो चुनाव हो गए आप दोनों मिलकर शादी कर लिए, तीनों मिलकर बल्कि, तो ये इनका धोखा दिए जनता को जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया। और कैसा बताइए कि असेंबली में खड़े होकर शिवसेना का मुख्यमंत्री बोलता है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा, ये बताइए शरद पवार साहब और राहुल गांधी सोनिया गांधी इसको एग्री करते इस बात को, जो मुख्यमंत्री खड़े होकर बोल रहा है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा, आप उसके साथ बैठे हुए सरकार में और आप उंगलियां मेरे तरफ उठाते, किस वजह है, कौन दिया अख्तियार आपको मेरे को उंगलियां उठाने का, आप ही तो बैठे हुए ना साथ में, सत्ता में बैठकर गुलाब जामुन खा रहे, अब सत्ता में आए तो सब भूल जाते, अब कल कोई इसमें से पार्लियामेंट चुनाव से पहले कोई कूद गया बीजेपी की तरफ, सेकुलरिज्म जिंदाबाद, तो कोई कूद सकता है क्या, कूद सकता है कोई, कितने कूदेंगे देखो तुम, ये लोट करके रख लो तुम, जब होगा तुम आना तो मैं तो बोलूंगा। सर एक सवाल ऐसा है कि राज ठाकरे की रैली के बाद में बहुत सारे पार्टी अब रैली की सिलसिला शुरू होगा, उद्धव ठाकरे भी रैली ले रहे हैं मुंबई औरंगाबाद, तो क्या एमआईएम भी एक रैली करेगी, वैसे भी मुंबई की रैली पेंडिंग है, नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे, करेंगे भाई, एक नहीं कई जगह करेंगे, जवाब दे दो। और हमारे पास क्या है ना, हम जब रैली करते हम बुलाते नहीं, हे आ आ आ आ, दो गाड़ी लेके आ, 5 लेके आ, 6 लेके आ, 4 लेके आ, वो दिल से आते हमारे पास, अगर कल सुबह का परमिशन दे दो हमारे को हम कर लेते रैली वही मैदान में, अरे कहीं पर भी दे दो, इम्तियाज जलील डॉक्टर गफ्फार कादरी एमआईएम बुला कल दे दो, हम आ जाते, हमारे को बुलाना नहीं पड़ता, उधर से तू 5 इधर से 6 लेके आइए, क्या है वो, ऐसा नहीं करते, सबकी तरफ है इशारा, सबकी तरफ है, एक की तरफ नहीं है, एमआईएम पार्टी जो है जमीन से जुड़ी हुई है, लोग सुनने आते देखते, तो परमिशन ले हम करेंगे, अभी ईद भी सुझान दीजिए, फेस्टिवल है, लोगों को आराम से अपनी दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने दीजिए, एक रैली होगी, नहीं एक क्यों हो दूंगी रैली, एक क्यों बोल रहे, अब माशाल्लाह से आप हमारे साथ है। लेकिन वहाँ होंगी मराठवाड़ा सांस्कृतिक मैदान में होंगी जहाँ पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, जब होगी, नहीं नहीं सुनिए, जब होगी आपको हम दावत देंगे, आप आइए ना, हमारे लिए आम खास है, इसमें आम खास जनता आती है, उसमें असद भाई वंचित का आपने वेल रेट पढ़ा है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, वेल रेट पसंद कहे जाते हो, महाराष्ट्र में अच्छी नजर है, आपको क्या लगता है बीजेपी बार बार कह रही है कि शिवसेना बहुत कमजोर होती जा रही है, बीजेपी रिलेटेड सवाल के जवाब में मैंने अभी कहा कि पूरे देश में
कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है उसका कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल है, सब पार्टी शामिल है सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़कर अभी तक पूरे लगे हुए उसमें दौड़ में, सब लगे हुए भाग 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 उसी में लगे हुए। आप देखो क्या जुमला दे रहे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, शिवसेना कमजोर होती जा रही है या कुछ काम है? देखिए ये मैं, ये मेरा काम नहीं है, आपकी नजर रही है? नहीं, मेरी नजर मेरी पार्टी पे, मेरी नजर डॉक्टर गफ्फार कादरी पे, इम्तियाज जलील पे, हमारे लोगों पे नजर है, मेरी नजर दूसरों पे रहती नहीं। मेरे को क्या करना है, मैं यही चाहता हूँ कि उनकी नजर मेरे को नहीं लगे। साहब एक सवाल है, ये आखिरी बार अचानक क्यों, ये दो साल के बाद ही अचानक राज ठाकरे क्यों जागे और एकदम मालूम हुआ है।